कांग्रेस और सपा वालों को क्या गोमाता को काटने की छूट दे देंगे क्या? क्यों क्यों गाय की राजनीति फिर करना शुरू कर दिए हैं आप? हिंदुस्तान के हर लोगों को मैं ये बोलना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग आप जानते हैं कैराबिप, इंग्लिश में कैराबिप बोलते हैं, भैंस मतलब हम जिसको बाफेलो कहते हैं वो एक तरह गाय के ही एक दूसरी वो एक मतलब रूप, मतलब हम ये यही मानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बीप नहीं कहते, कहते कि कैराबिप। आप जानते हैं हमारा देश है कैराबिप, 28 से 30 हजार करोड़ रुपया की कैराबिप यहां से निर्यात होते हैं। तो मोदी क्या कहे, ये गाय की राजनीति कितने दिन तक करोगे? मोदी कितने दिन तक गाय की राजनीति करोगी? गाय गंगा गीता ये मोदी जी की नहीं, सारे देश की संपदा है। गाय की राजनीति करना छोड़ो, आम जनता के लिए कुछ राजनीति करो। नौकरी क्यों नहीं दे पाए, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दे पाए हर सालाना जो वादा आपने किए थे? हिंदुस्तान में बेरोजगार इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? बेतहाशा इजाफा क्यों हो रहे हैं ये बेरोजगारों की, इसका जवाब कौन देंगे? सारे बाजार में हर चीज की दामों में आग लग गई है, हर चीज की दाम इतने बढ़ते क्यों है? দেখুন কেসটি অপারেশন করেছে সেটা তদন্ত, সেটা আমি বলতে চাই না। সেটা বলতে গেলে বিজেপি দলের নেতার পক্ষে সওয়াল হয়ে যায়, সেটা আবার আরেকটা ব্যাখ্যা হবে, আমি তা বলতে চাই। সেটা সন্দেশখালী মা বন্ধের কাছে একটু আমাদের যেতে দিন দিদি, তারা স্টিং করছে না স্টাং করছে একটু যেতে দিন না। হঠাৎ আপনি স্টিং অপারেশন করে ভরসা করছেন কেন? আপনি তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলছেন না কেন? আপনি কোর্টকে বলছেন না কেন? কোর্ট জানে না কিছু, তাই তারা সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কোর্টে কেউ সিবিআই তদন্ত দাবি করেনি, কোর্ট শত প্রবৃত্ত হয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সিবিআই যখন তদন্ত করছে তখন একের পর এক পর্দা ফাঁস হচ্ছে, সেগুলোকে ম্যানেজ করার আপনি চেষ্টা করবেন। জানি ইডিকে ম্যানেজ করেছেন, মোদীকে ম্যানেজ করেছেন, মোদীকে আপনি এমন ম্যানেজ করেছেন ভোটের আগে যে ইডি কোর্টে গিয়ে বলছে খোকাবাবুকে ভোটের আগে আর টাকা ঢুকির দরকার নাই। বুঝুন বাংলার খোকাবাবুকে ইডি সবাইকে ডাকছে, সবাইকে জেলে ভরছে, কাউকে ছাড় দিচ্ছে না, কিন্তু বাংলার খোকাবাবুর জন্য ইডির দরদ এত, ইডি কোর্টে গিয়ে বলছে যে নির্বাচনের সময় আর খোকাবাবুকে ডিস্টার্ব করে লাভ নাই। আর খোকাবাবুর বিরুদ্ধে প্রার্থী এমন দিও না যাতে খোকাবাবু হারতে পারে, খোকাবাবুর মনের মতন প্রার্থী দাও খোকাবাবু যাতে জিততে পারে, সেই সমঝোতায় ইন্ডিয়া জোট ভেঙে বেরিয়ে দেব। তো স্বাভাবিকভাবেই এত ম্যানেজ করেছে যখন ইডি সিবিআই কে, এটা ম্যানেজ করা সেখানে চেষ্টা করুক। আমরা তো কোর্টের কাছে জানতে চাইব যে কোর্ট যখন শত পবিত্র হয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল তার পরিণাম কি, আগামী দিনে বাংলার মানুষ জানতে চাইবে। इसमें साफ जाहिर होते हैं कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी बीजेपी पूरी तरह बखलाए हुए हैं, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुई थी तो उनका ये यकीन थी कि हिंदुस्तान में 400 की संख्या पार करना बड़े आसानी से हो जाएगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, 400 क्यों 4000 से भी वो पार कर लेंगे। लेकिन चुनाव शुरू होने के उपरांत धीरे 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 माहौल इस तरह हो रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान में आम लोग नए तरीके से सोचना शुरू कर दिए हैं, और इसके चलते डर के मारे मोदी जी और अमित शाह जी किसी सूरत में कांग्रेस पार्टी को
उनके छवि को धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और साथ साथ और एक काम करेगा जिसको कहते हैं कि ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण। चुनावी ध्रुवीकरण के अलावा मोदी जी के पास आज की तारीख में और कोई चारा नहीं बच पाए। तो चुनावी ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जोर शोर से शुरू करने की बीजेपी की तैयारी हम देख रहे हैं हर जगह। इसके अलावा उनके पास और कोई बचा हुआ नहीं, क्योंकि देश को डुबा दिए हैं मोदी और अमित शाह जी, देश को डुबो दिए हैं। ये मैं नहीं कहते, मोदी जी की सरकार की जो वित्त मंत्री उनकी हस्बैंड भी कह रही है, ये उनको थोड़ा सा पूछ लिया करो, उनको थोड़ा पूछ लिया करो।